सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एचटेट केमिस्ट्री 2024 यानी कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में आपको इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार हम लोगों को किस वे में चलना चाहिए। कि जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या रोल है, इसका पूरा हरियाणा लोक सेवा आयोग में किस तरीके से प्रिपरेशन करके आप सिलेक्शन पाएंगे, ये चीज हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताई थी। सब फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, ये सभी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में भी आपको जानकारी दी, और साथ ही साथ आपको ये बताया कि हम आज बात करेंगे आपसे स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट से रिलेटेड। तो यानी कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें शायद कोई देर राय नहीं होगी, क्योंकि स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट्स वाकई में एक ऐसे पॉइंट होंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। और यहां से मैं ये भी कहूंगा कि क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे एचटेट के अंदर। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर भी हमारा विचार रहेगा। अब क्वेश्चन का नंबर क्या होता है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं हेडिंग अपनी, स्पेशल स्पेशल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स इतने इम्पोर्टेंट होंगे कि आपको टॉपिक वाइज भी बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हमें इन पॉइंट्स पर कितनी गहराई से सोचना भी चाहिए, क्योंकि इन पॉइंट्स से रिलेटेड हमें क्वेश्चन का नंबर मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर हमें अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, तो फिर ये मान के चलिएगा कि सिलेक्शन में आप लोगों को बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी यहाँ से। तो स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पॉइंट को आप बिल्कुल देखना नहीं भूलिए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इन पॉइंट्स पर पूरी तरीके से नज़र अपनी गड़ा लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके जीवन को बदल सकते हैं, ये पॉइंट आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल स्पेशल पॉइंट बना करके हेडिंग भी आपको अप टू द मार्क कर दिया है, जिससे कि आपको देखने में एकदम बढ़िया सा लगे और यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर मैं इसे 5 स्टार देता हूँ, यानी कि इसे रेटिंग भी अगर मैं देना चाहता हूँ तो मैं इसे 5 स्टार की रेटिंग दे पाऊंगा, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जितने भी एचटेट के साथी हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि आज की वीडियो हमें नहीं छोड़नी है और एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हमें पूरी तरीके से क्लियर करना है। तो अगर आप इस पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल भरपूर रहे, तो फिर शुरुआत कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट के। तो वीडियो को साथ बिल्कुल चलते रहिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, और जिन लोगों को ये वाली PDF इंपॉर्टेंट की चाहिए वो लोग हमें एक अच्छा सा कमेंट कर दें, लिख दें उसमें कि सर हमें ये PDF सेंड कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा निश्चित तौर पर। लेकिन पहले एक प्यारा सा कमेंट आपकी साइड से आना चाहिए। तो स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पॉइंट पर हम लोग आपसे ये कहेंगे कि सबसे पहले हमें चलना चाहिए, बिल्कुल शुरुआत की केमिस्ट्री से चलना चाहिए, और वहीं की केमिस्ट्री से हम लोग सब बातें सीखते चले जाएंगे और एक एक बात को ऐसे गंभीरता से डिस्कशन करेंगे कि वाकई में पेपर आपके सामने रखा हो। तो सबसे पहली बात हमारी चलेगी जहां से, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर GOC में चलते हैं तो GOC हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, GOC इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वाकई में GOC पर हमें पूरा कमांड हो जाना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि GOC बिल्कुल कंप्लीट तैयार करिए, और GOC में खासकर जहाँ पर आपको ध्यान देना है उस पॉइंट को भी अगर मैं नज़रअंदाज न करूँ, तो फिर मैं तो कहूँगा कि इसके अंदर जो है वो आपको तैयार करना चाहिए। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पर फोकस कर लेना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि एक तो आप इंडक्टिव इफेक्ट पर फोकस करिए, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ आपको मीजोमेरिक इफेक्ट पर फोकस करना चाहिए, मीजोमेरिक इफेक्ट पर फोकस करना चाहिए, और मीजोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेकर नेथन इफेक्ट पर काम करना चाहिए। बेकर नेथन इफेक्ट के एग्जाम्पल आपको बेकर नेथन इफेक्ट के एग्जाम्पल आपको जरूर तैयार कर लेने चाहिए। ये तो बिल्कुल हो गई, और इसी के साथ साथ अगर आप इन टॉपिक्स को, यानी कि कार्बोनियम आयन को तैयार करते हैं, कार्बोनियम आयन को तैयार कर लेते हैं, साथ ही साथ फ्री रेडिकल्स पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं, फ्री रेडिकल्स और इनके खासकर
फ्री रेडिकल्स के साथ साथ इनके अरेंजमेंट की बात करते हैं, अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो यानी कि जीओसी तो पढ़ना ही पढ़ना है, जीओसी में कोई समझौता है ही नहीं, लेकिन इस जीओसी में कार्बेनायन, फ्री रेडिकल और साथ में इनके अरेंजमेंट पर पूरी तरीके से बेटर आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नंबर 1 SN1, यानी एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूँगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूँगा, साथ में ही न्यूक्लियोफिलिक में SN1 और SN2 रिएक्शन के साथ साथ SNI रिएक्शन की भी बात करूंगा। यहाँ पर SNI पर एग्जाम्पल आया था इससे पहले दूसरी कॉम्पिटिशन्स में, यहाँ पर भी आ सकता है, तो SNI पर ध्यान दीजिए। इसके बाद एक नए टॉपिक में जहाँ पर जो देखा गया है HTET के एग्जामिनेशन में, वहाँ पर आपको एक तो IUPAC नाम आप जरूर कर ले। IUPAC जो नेम होंगे, ये IUPAC नेम आप बहुत जो मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ाए उन IUPAC नेम्स पर आप नज़र दौड़ा लीजिएगा, बिल्कुल वहीं से मिल जाएंगे IUPAC नेम। और साथ में एक आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में अगर मैं आपसे कहूँ तो जनरल तो आइसोमेरिज्म आपको आ ही रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको ई जेड और साथ ही साथ आपको आर एस सिस्टम पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर ई जेड और RS सिस्टम पर तो पूरी नज़र आप अपनी गड़ा करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांस आपको बहुत दिखाई देंगे। तो आइसोमेरिज्म पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप इस रिएक्शंस को पूरी तरीके से इस रिएक्शन को पूरी तरीके से किस पॉइंट पर जाकर के ईजेड सिस्टम हो जाता है, किस पॉइंट पर जाकर के आरएस सिस्टम हो जाता है, इस पर भी गंभीरता से जरूर सोचिएगा। तो यहाँ पर एक तो ये, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा नॉलेज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी कुछ सिंपल पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा, जैसे कि लेसिग्ने टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका जेलडॉल मेथड हो गया, है ना, और जेलडॉल मेथड के साथ में आप ड्यूमाज मेथड को भी देख लीजिएगा, इस तरीके सिंपल है, और प्योरिफिकेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सो ऑन, इसको भी नज़रअंदाज न करिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जीओसी के अंदर ही आता है। यही सर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जीओसी पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि जीओसी पर अगर नज़र डलानी है, तो इन टॉपिक्स को पूरी गंभीरता के साथ में आप बिल्कुल भूलना नहीं है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, VVIP लगा लीजिए, क्वेश्चन आपको यहां से 100% मिलने वाला, बिल्कुल छूटने वाला नहीं है, तो ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद चल लेते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पर। अगर हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की है, तो हाइड्रोकार्बन्स में आपको कुछ नहीं करना है। हाइड्रोकार्बन्स में एक तो अनसेचुरेशन की रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा, अनसेचुरेशन की रिएक्शंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अनसेचुरेशन की रिएक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, अनसेचुरेशंस की रिएक्शन आप पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद इसमें जो रिएक्शंस फ्री रेडिकल वाली है वो जरूर देख लीजिएगा, एल्केन में है, फ्री रेडिकल्स वाली रिएक्शन देखिएगा। तो यहाँ पर मैं फ्री रेडिकल्स, अनसेचुरेशन, ओजोनोलिसिस को अगर मैं कहूँगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलिसिस वो चाहे एल्कीन की ओजोनोलिसिस कही जाए या फिर एल्काइन की ओजोनोलिसिस कही जाए, दोनों की ओजोनोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहीं पर हम लोग पॉलीमराइजेशन को भी नोट करेंगे कि पॉलीमराइजेशन दोनों में पढ़ लीजिएगा, एल्कीन और एल्काइन में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक काम और कर लेना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्केन के लिए भी और एल्काइन के लिए भी, दोनों में ही बहुत अधिकतर पूछा जाता है, और वो है रिएक्शन विद एल्कलाइन KMnO4, यानी कि एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शंस जरूर पढ़िएगा, जिसको आप लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी,
बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जानते, तो इस रिएक्शन पर मैं जरूर अपना फोकस दिखाऊंगा क्योंकि ये रिएक्शन बहुत सारे एग्जाम्स में आई है। साथ ही साथ आपकी अनसेचुरेशन की रिएक्शन भी नोटिस की गई है और ओजोरोलिसिस तो मान के चलिए कि 100% इन एग्जाम्स में जरूर आ जाती है। तो हाइड्रोकार्बन्स में इन रिएक्शंस पर जरूर फोकस करते हुए आगे बढ़िएगा। और यहीं पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, एल्केन्स के अंदर और एल्केन्स में अगर मैं बात करता हूँ तो एल्केन्स में कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म यानी कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पर आप जरूर फोकस कर लीजिएगा। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पर नज़र बिल्कुल दौड़ाए रखना है क्योंकि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में स्ट्रेन थ्योरी से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेन थ्योरी को आप पूरा फोकस कर लें और स्ट्रेन थ्योरी ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक पर चल लेते हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो यहाँ पर हेलो एल्केन में अगर हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेलो एरीन में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में अगर हम आपको बताएंगे तो ये बता जरूर बताएंगे कि देखिए SN1 और SN2 रिएक्शन यहाँ पर, यानी मैं कहूँ आपसे SN1 एंड SN2 रिएक्शन तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं किसी कीमत पर, लेकिन साथ साथ में SNI रिएक्शन भी नोट करते चलना है। SNI रिएक्शन भी नोट करिएगा। इसी में जो नेम रिएक्शंस हैं इनकी, जितनी भी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की नेम रिएक्शंस हैं उनको और उनके इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लीजिए, उन रिएक्शंस के इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, छोड़ना किसी कीमत पर नहीं है। और साथ में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन यानी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हेलो एल्केन हेलो एरीन में चलिएगा और यहीं पर हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्लोरोबेंजीन जो होगा उसका जो पार्शियल करेक्टर होता है यानी कि क्लोरोबेंजीन को अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ तो क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है यानी कि मैं Cl यहाँ लगा देता हूँ और डबल बॉन्ड करेक्टर आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो इसके अगर रीज़न को समझा जाए तो इसके रीज़न को भी इम्पोर्टेंस दे करके ही आप लोग पढ़िएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो हेलो एल्केन हेलो एरीन से जुड़ी हुई हैं। और हेलो एल्केन हेलो एरीन में जब चले जाइएगा तो पॉली हेलो एल्केन है, पॉली हेलो एल्केन और एल्किन्स जो भी हैं इनको जरूर पढ़िएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ तो क्लोरोफॉर्म का टेस्ट में, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया और यहाँ पर आपका आयोडोफॉर्म हो गया, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं यानी पॉजिटिव वाले कंपाउंड कौन से हैं, इस पर भी आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद चल लीजिए अगर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड पर चलते हैं जिसका नाम है एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर। तो मैं आपसे कहूँगा एल्कोहल्स फिनॉल्स और ईथर के अंदर अगर आप नोट कर पाएंगे तो वाकई में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसके अंदर, और कौन कौन सी रिएक्शन है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा यहाँ पर। जैसे कि अगर एल्कोहल की रिएक्शन की बात करता हूँ तो मैंने अधिकतर डिहाइड्रेशन रिएक्शन को नोट किया है कि जरूर आती है। अब डिहाइड्रेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर पर ही पूछी जाती है, तो ये रिएक्शन भी आप नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से नोट करिए। और साथ ही साथ एल्कोहल्स में प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन की मैकेनिज्म, डीप्रोटोनेशन की मैकेनिज्म भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। इसका डिस्टिंग्विश जरूर पढ़िएगा बिटवीन किसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, जिसमें विक्टर मेयर टेस्ट तो बहुत आता है, विक्टर मेयर टेस्ट आता है और या फिर ल्यूकास टेस्ट भी आ सकता है। तो इसको आप एल्कोहल में देख लीजिएगा कि इसको कैसे क्या करना है। उसके बाद फिनॉल्स में जब चलेंगे तो यहाँ पर पिक्रिक एसिड को जरूर पढ़ना है। पिक्रिक एसिड के साथ साथ आपको सैलिसिलिक एसिड भी जरूर पढ़ना है, सैलिसिलिक एसिड के एप्लीकेशन देखिएगा। जैसे कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की बात आती तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन को नहीं छोड़ना है, एस्पिरिन को नहीं छोड़ना है,
एस्प्रिन को नहीं छोड़ना, और साथ ही साथ फिनेसिटिन को भी जरूर पढ़ लीजिए, फिनेसिटिन को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर सैलिसिल सैलिसिल एल्डिहाइड का नाम भी आपने सुना होगा, तो सैलिसिल एल्डिहाइड के रिएक्शन मैकेनिज्म पर फोकस कर लीजिएगा, मैकेनिज्म पर फोकस कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए कि क्या आप इन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो मौका है, गवाइए नहीं, अभी तैयार करिए। ईथर में केवल आप विलियमसंस विलियम विलियमसंस सिंथेसिस को, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर विलियमसंस सिंथेसिस को और इसके एप्लीकेशंस जो होंगे, एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस भी एरोमेटिक में, खासकर एरोमेटिक में, और साथ ही साथ एरोमेटिक के साथ साथ 3 डिग्री ईथर्स में, 3 डिग्री और 3 डिग्री के जो अनसिमेट्रिकल ईथर्स होंगे उन पर जरूर इसको अप्लाई करके देखना, एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। इसी के बाद आ जाती है बात एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ जाती, कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ जाती बात। जो जो पॉइंट बता रहा हूँ एक एक पॉइंट हमारा नोट करिएगा और देखिएगा क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना वहां पर दिखाई दे रही है, और अगर दिखाई दे रही है तो फिर वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो जरा देखते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जितनी भी रिएक्शंस इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इनको जरूर गंभीरता से पढ़िएगा। जैसे खासकर जो रिएक्शन आती है वो एक तो सेमी कार्बा जोन की है, सेमी कार्बा जोन वाली रिएक्शन भी खूब पूछी जाती है, और HCN वाली रिएक्शन भी खूब पूछी जाती है। इसका एप्लीकेशन भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, नार को जरूर पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन में। और अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन में बात करता हूँ तो एल्डिहाइड कीटोन में जो नेम रिएक्शंस हैं वो चाहे फिर आपकी गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस हो, चाहे वो एल्डोल हो, चाहे कैनिजारो हो, चाहे क्रॉस कैनिजारो हो या क्रॉस एल्डोल हो, जितनी भी नेम उसके क्लेजन कंडेंसेशन हो और आपके बेंजोइन कंडेंसेशन हो, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं नेम रिएक्शन पर, यहाँ पर मैं ऑल पर इम्पॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ, तो इसमें ऑल रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत कवरेज करके चलेगा ये चैप्टर, ये ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एल्डिहाइड कीटोन में है वो टेस्ट हैं, यानी कि डिस्टिंग्विश करने वाले जो टेस्ट हैं, डिस्टिंग्विश करने वाले जो टेस्ट हैं उनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से, जैसे एक टॉलेंस टेस्ट वाला जरूर याद रखिएगा, टॉलेंस टेस्ट आपको याद रखना है, दूसरा आपको फेलिंग टेस्ट आपको याद रखना है, तो यहाँ पर मैं फेलिंग टेस्ट लिख देता हूँ, और उसके बाद आपको फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, और आपका आ जाता है एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट आ जाता है, उसके बाद स्विफ्ट रिएजेंट का टेस्ट आ जाता है, सिर्फ रिएजेंट का टेस्ट आ जाता है। तो जितने भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये सभी टेस्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेने, क्योंकि ये टॉलन का टेस्ट भी बहुत पूछते हैं, फेलिंग का भी पूछते हैं, बेनेडिक्ट का और सिर्फ रिएजेंट का टेस्ट भी बहुत पूछा जाता है। तो इन टेस्ट को आपको किसी भी कीमत पर कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही अच्छे ढंग से तैयार करिएगा। इसी के साथ में अगर हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एसिडिक करेक्टर को अगर हम लोग देखते हैं, एसिडिक करेक्टर और एसिडिक करेक्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट चाहे इसमें हो, और या फिर एसिडिक करेक्टर का फिनोल में, जो अगर मैं यहाँ पर कहूँ फिनोल में, यहाँ देखिएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ फिनोल में, फिनोल का एसिडिक करेक्टर, इसमें एसिडिक करेक्टर का मतलब हुआ, एसिडिक करेक्टर का मतलब ये भी नोट कर लेना है कि उसके जो डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का मतलब यह है कि जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल है, तो इनके भी आपको टेस्ट ध्यान से पढ़ लेने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ने हैं। तो ये बात याद, एसिडिक करेक्टर के एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन, एग्जाम्पल्स के साथ में आपको इसके एप्लीकेशन जरूर याद रखने, छोड़ना नहीं है, एप्लीकेशंस जरूर याद रखने हैं। जैसे कि ये एक्सेप्शन केसेस होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये बेंजोइक एसिड ले लिया और यहाँ पर NO2 की बात की, तो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है,
एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू पैरा, तो यहाँ पर पैरा से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑर्थो इफेक्ट कंसिडर किया जाता है, और इसी तरीके से ये आपका मेटा से हो जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं, जो इफेक्ट वाली हैं, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। तो ये एग्जाम्पल्स के साथ में, चाहे फिर वो क्लोरोएसिटिक एसिड का एग्जाम्पल हो, जैसे कि ये एग्जाम्पल भी हो सकता है कि CH2, यहाँ पर ClCOOH ज्यादा एसिडिक होगा, कि Cl2CHCOOH ज्यादा एसिडिक होगा, कि आपका Cl3CCOOH ज्यादा एसिडिक होगा, इनका ऑर्डर आप याद करना पड़ेगा, या फिर F CH2COOH ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर Cl CH2COOH ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर Br CH2COOH ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर I CH2COOH ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी आपको किसी न किसी ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं, या फिर इनके वेरिएशन को भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि CH2 यहाँ पर CH, यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ COOH लगा दिया, ये ज्यादा एसिडिक होगा, कि CH3 CH यहाँ Cl लगा दिया, फिर यहाँ CH2COOH ये ज़्यादा एसिडिक होगा, या फिर लास्ट में लगा दिया CH2 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 COOH ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप जरूर अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एमीन्स पर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं, तो एमीन्स पर पूरी नज़र आपको बनाए रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में चला जाता है। तो एमीन्स में सबसे पहले आपको गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जरूर पढ़ लेनी है, तो यहाँ पर गैब्रियल को पढ़ना है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पढ़नी है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। नंबर टू, हॉफमेंस ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमेंस ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड रिएक्शन जरूर पढ़ लेनी है। उसके बाद तीसरी आपको डाइएजोटाइजेशन जरूर पढ़ना, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि C6H5SO2Cl, जिसे आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस हिंसबर्ग रिएजेंट के रिएक्शन को भी आपको नहीं छोड़ना है, डाइएजोटाइजेशन को नहीं छोड़ना है, गैब्रियल थैलीमाइड को नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। और इसके बाद आपको इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट है, जहाँ रिएक्टिविटी के ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन की जो है, एनिलीन की, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी कैसे डाउन करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्टिविटी कैसे डाउन करते हैं, रिएक्टिविटी कैसे हम लोग रिएक्टिविटी कैसे डाउन करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी रिएक्शन के साथ में रिएक्टिविटी कैसे डाउन करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो इतनी रिएक्शंस आप जो है वो किस में कर लें, एमीन्स में कर लीजिएगा। इसी के बाद अगर हम लोग चलें, तो मैं आपसे कहूँगा, अगर पॉलीमर की बात आती, पहले तो बायो मॉलिक्यूल को देखो, बायो मॉलिक्यूल को अगर आप नोट कर रहे हैं, तो बायो मॉलिक्यूल में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो संभावना क्या हो सकती है बायो मॉलिक्यूल में, सबसे पहले तो आप ज्वेटर आयन को जरूर ध्यान दीजिए, ज्वेटर आयन को ध्यान दीजिए, ज्वेटर आयन, इस पर इसकी पीएच वैल्यू पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, इसका पीएच वैल्यू पर क्वेश्चन, इसकी जो टेम्परेचर होता है, जिसे आप एक पर्टिकुलर क्राफ्ट क्या बोलते हैं इसको, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम दिया गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी नाम देते हैं, तो यहाँ पर मैं क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में भी पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पीएच वैल्यू के बारे में पूछ सकते हैं, क्रिटिकल, और अगर आपसे ज्वेटर आयन का एम्फोटेरिक करेक्टर भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर मैं एम्फोटेरिक नेचर के बारे में भी आपसे कहूँगा कि आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो प्रोटीन है उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन के अंदर आपको पेप्टाइड बॉन्ड पर क्वेश्चन बन सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड पर क्वेश्चन बन सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, तो ग्लूकोज में आप केवल ग्लूकोज ग्लूकोज में एक तो अल्फा डी ग्लूकोज को पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको बीटा
बीटा डी ग्लूकोज को पढ़ना पड़ेगा, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में सुक्रोज को जरूर देख लीजिएगा, सुक्रोज और माल्टोज को आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, इन्हें भी ध्यान से कर लीजिए। म्यूटा रोटेशन एक वर्ड है, म्यूटा रोटेशन इसको, और किलियानी सिंथेसिस को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं आपको। तो ये बायोमोलिक्यूल को ध्यान दे करके नोटिस करिएगा, और बायोमोलिक्यूल में अगर न्यूक्लिक एसिड पर आता है तो न्यूक्लिक एसिड में केवल बेस, चाहे वो आरएनए के डीएनए के हो, डीएनए के बेस हो या फिर आरएनए के बेस हो, इन सभी बेसिस को जो पायरेन प्यूरीन बेस हैं, एक तो आपको प्यूरीन बेस मिल जाएंगे और दूसरे आपके पायरेडीन बेस मिल जाएंगे, पायरेमिडीन बेस मिल जाएंगे। तो प्यूरीन और पायरेमिडीन बेसिस को भी ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और प्रोटीन में भी खासकर जो एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन के, वो भी आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन की ब्रेकिंग जो होती है, ब्रेकिंग कहाँ होती है, किस तरीके से होती है प्रोटीन की ब्रेकिंग, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना काम आप बायोमोलिक्यूल में कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पॉलीमर्स पर। अगर पॉलीमर्स चैप्टर आपने छोड़ दिया, समझ लिए बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। कम से कम आप यहाँ से 3 क्वेश्चन उठा करके ले जाएंगे, तो ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं 3 क्वेश्चन पर? सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा नेचुरल रबर और इसकी मोनोमर। नेचुरल रबर को जरूर पढ़ लीजिए, नेचुरल रबर और इसकी क्या पढ़ना है, मोनोमर यूनिट जरूर याद करना है, मोनोमर यूनिट याद करना है। ब्यूना एस रबर को पढ़ लेना है, ब्यूना एस रबर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ब्यूना एस के साथ में आपको नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6.6 दोनों को पढ़ लीजिए, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6.6, ये दोनों ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पढ़ लेना है एक और है, जिसे आप डेक्रॉन के नाम से जानते हो। इतना ये चीज़ें आपको नोट करके अच्छे से रखनी है और बिल्कुल नहीं छोड़नी किसी भी कीमत पर। इतने पॉलीमर्स, और एक और याद आ रहा है बेकेलाइट और नोबोलैक, इसकी मोनोमर जरूर याद कर लीजिएगा, मोनोमर जरूर याद कर लेना। तो ये पॉलीमर्स को जरूर ध्यान रखते हुए पढ़िएगा। और इसी के आगे अगर हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो यहाँ पर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अगर मैं कॉमनली कहता हूँ एवरीडे लाइफ में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये चैप्टर भी बहुत कुछ समेटे हुए है अपने में, जिसमें नंबर वन अगर मैं ड्रग्स की बात करता हूँ, तो ड्रग्स में अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बारी आती है, तो ड्रग्स में सबसे पहले आप एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल पढ़िएगा, एंटीसेप्टिक्स के एग्जाम्पल्स पढ़िएगा। उसके बाद नंबर टू एंटीसेप्टिक के बाद एंटीपायरेटिक्स के एग्जाम्पल पढ़िएगा, और एंटीपायरेटिक्स के बाद एनाल्जेसिक्स में आप लोग जरूर स्टार बना लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको ट्रैंक्विलाइजर भी याद हो जाए, ट्रैंक्विलाइजर भी याद हो जानी चाहिए, तो इतनी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक चीज ऊपर जो छूट रही है, वाइटामिन छूट रही है, तो वाइटामिन मैं इसमें यहाँ पर डाले दे रहा हूँ, यहाँ पर वाइटामिन लिखे दे रहा हूँ। और वाइटामिन में जो जरूरत है वो नंबर वन विटामिन B2 पूछी जा सकती है, नंबर 2 विटामिन B6 पूछ सकते हैं, और 3 विटामिन B12 पूछ सकते हैं। उसके बाद 4th पर आ जाइए, विटामिन C भी पूछी जा सकती है, 5 पर आ जाइए विटामिन D। इन सबके केमिकल नेम जरूर पढ़ लेना है, साथ ही साथ इनके जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज भी जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। विटामिन K भी कभी कभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन के साथ में दे दी जाती, तो इनको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, ट्रैंक्विलाइजर को ध्यान देना है, बिल्कुल छोड़ना है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना, यहीं पर एंजाइम्स को नहीं छोड़ना है, एंजाइम्स और इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को, कैटालिटिक नेचर को नहीं छोड़ना है। तो एंजाइम्स और कैटालिटिक नेचर दोनों अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा। और ये कैटालिस्ट वाला टॉपिक जो है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी
फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप एक बार जरूर देख लीजिए कौन सा कैटलिस्ट किस जगह काम आता है। तो कैटलिस्ट और उसका रोल यहीं पर मैं लिख देता हूँ, कैटलिस्ट एंड इट्स रोल, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कैटलिस्ट कहाँ पर प्रयोग होगा। तो ये एंजाइम्स पे भी नज़र अपनी गड़ा करके रखिएगा, और यहाँ पर एंजाइम्स में एक एटीपी और एडीपी का रोल भी आप बुक उठा करके पढ़ लीजिएगा, और साथ साथ इनऑर्गेनिक एंजाइम पर भी नज़र बनाइएगा। इनऑर्गेनिक एंजाइम्स मैंने पढ़ाया है, और इस टॉपिक को आप चाहे पॉलीमर्स से अगर आप देखोगे तो पॉलीमर्स से भी इसको आप देख सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से स्टार बना देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर भी स्टार बना देता हूँ। ये चीज बहुत नोट डाउन करने वाली, तो इनऑर्गेनिक एंजाइम्स में आप लगातार कंटिन्यू रखिएगा अपनी इस बात को, तो बिल्कुल भूलना नहीं है, किसी कीमत पर नहीं भूलना है, बिल्कुल लगे रहना है, मेहनत से लगे रहना है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आते हैं, तो यहाँ पर आ जाइए थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। थर्ड पॉइंट में स्पेक्ट्रो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में नंबर वन, एक तो आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की आईआर के बैंड्स सभी याद कर लेने हैं, आईआर्स के बैंड्स याद कर लेने हैं। दूसरा आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही आईआर बैंड्स के साथ साथ नोट कर लेना है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर पढ़ लेना है, और कौन कौन से, खासकर एक तो आपको कीटोन का एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना है, कीटोन का एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना है। कीटोन का एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, और मैं कहता हूँ कीटोन के एग्जाम्पल पर चले आइए, तो कीटोन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल और भी आगे कंटिन्यू करना है, और वो एग्जाम्पल है आपका एल्कोहल का। तो यहाँ पर एल्कोहल के एग्जाम्पल भी ध्यान देने हैं, एक्सो एल्कोहल के साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल जो पूछ सकते हैं वो एल्कीन और एल्काइन का भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर एल्कीन एंड एल्काइन का एग्जाम्पल भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के बाद अगर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल, जो सिग्नल्स की जो कैलकुलेशन है उसको आप याद रखिएगा, सिग्नल्स की कैलकुलेशन, और आप सीएमआर भी जरूर पढ़ लीजिएगा, सीएमआर भी पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ इनके ऊपर जो बेस को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, उसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो ये भी आपकी बहुत ही मदद करेगा। इसी के साथ में डाइज में अगर हम चले आते हैं तो फोर्थ पॉइंट पर हम आपसे बात करेंगे कि थोड़ा सा डाइज का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िएगा, यानी कि यहाँ पर मैं केवल आपसे कहूँगा कि इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें। इंट्रोडक्शन में तो ये चीज नोट करनी पड़ेगी कि जैसे जो बैट डाई है वो बैट डाई भी आपको ध्यान रखना है, बेट डाई भी ध्यान रखना है, मॉर्डेंट डाई भी याद रखना है, मॉर्डेंट डाई भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं मॉर्डेंट डाइज भी आपसे कहूँगा पढ़ लीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि एग्जाम्पल्स पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो ये जितनी भी डाइज हैं इनका एक कॉमन चीज़ें पढ़िएगा, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन कॉमन जो ऑक्सोक्रोम है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, इसको भी एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ऑक्सोक्रोमिक और साथ ही में बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी, आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको ये मदद जरूर करेंगे। छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बन सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, और लास्ट में आपको कुछ कॉमन टर्म्स जरूर याद करके जाने हैं, और वो स्पेशल कॉमन टर्म्स कौन हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशल कॉमन टर्म में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ सम सम हेट्रोन्यूक्लियर कम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल
और साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ में उनकी एरोमेटिसिटी, तो यहाँ पर उनकी एरोमेटिसिटी और ऑर्डर इसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में हेटरो का बेसिक नेचर भी पढ़ लीजिएगा, जैसे हेटरो कंपाउंड का बेसिक नेचर, तो ये अब हेटरो तो है नहीं लेकिन बेसिक नेचर तो पूछ ही सकते हैं, ये भी अब बात भी है। हेटरो के अंदर ही आपको यहाँ पर एसिडिक नेचर भी एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो कुछ कॉमन चीजें हैं जो सिलेबस में न होते हुए भी आपको स्पेशली अगर पढ़ना है तो जरूर पढ़ना पड़ेंगे। उसी के साथ में कुछ प्यूरिफिकेशन के कंसेप्ट भी आपको याद कर लेना चाहिए। प्यूरिफिकेशन में खासकर डिस्टिलेशन की बात करेंगे, और दूसरा जो है वो हमारा फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर आप अपनी गहनता के साथ में अपने हिसाब से जरूर पढ़ लीजिएगा। और कुछ टर्मिनोलॉजी फोटोकेमिस्ट्री की भी आप जान लीजिएगा कि फोटोकेमिस्ट्री में कुछ जनरल टर्म यानी कि फ्लोरिसेंस क्या होता है, फॉस्फोरिसेंस क्या होता है, तो इन जनरल टर्म को भी आप इसके अंदर पढ़ लीजिए। सिलेबस न होते हुए भी ये इम्पोर्टेंट बनेंगे, सिलेबस में नहीं होते हुए भी इम्पोर्टेंट बनेंगे, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है जो पूछे जा सकते हैं। एरोमेटिसिटी है, हकल्स रूल है, इन पर भी आप फोकस जरूर कर लीजिए। तो ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, अगर आप एचटेट की बेस्ट प्रिपरेशन के साथ में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो फिर हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और जो स्टूडेंट पीडीएफ चाहते हैं इसकी, जो मैंने अभी नोट्स की लिखी है, इस पीडीएफ के लिए आपको हमारे चैनल पर जा करके कमेंट कर देना है, तो आई विल सेंड पीडीएफ ऑन योर मोबाइल नंबर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा और बेस्ट प्रिपरेशन करते रहिए, एकदम आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने ऐप के माध्यम से, तो जो लोग नंबर सेंड करेंगे उनको मैं नंबर पर सेंड भी कर दूंगा। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग में पीजीटी केमिस्ट्री, एचटेट केमिस्ट्री आपका क्वालिफाई होगा, 100% क्वालिफाई होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपके साथ में है और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के अकॉर्डिंग हम आपको वही क्वेश्चंस कराएंगे जिनकी इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन में बहुत दिखाई देगी। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करिए और नोट डाउन जरूर करिए। थैंक यू।